विभिन्न स्थितियों में खींची चुंबकीय बल रेखाओं की आकृतियां हैं चित्र 3 ब, चित्र 4 अ, ब स द। चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है। इसकी दिशा वह मानी जाती है जिसके अनुदिश एकांक उत्तरी ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर गमन करता है। इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुवों से प्रारंभ होती हैं व दक्षिणी ध्रुवों पर विलीन हो जाती हैं तथा चुंबक के भीतर दक्षिण ध्रुवों से उत्तरी ध्रुवों की ओर जाती हैं। अतः ये बंद वक्र होती हैं। ये वक्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं हैं। यदि वे ऐसा करती हैं तो इसका अर्थ ये होगा कि उस बिंदु पर सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो कि संभव नहीं है।